तो ये बात है 2020 की। मैं और मेरी सिस्टर्स हम लोग मुंबई के पास एक सिटी है पुणे, वहाँ पे रहते थे और हम लोग इंजीनियरिंग करते थे वहाँ पे। वैसे हम लोग बचपन से सऊदी में रियाद में ही थे, मेरे वालिद साहब यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो हमारी पूरी स्कूलिंग वगैरह यहीं पे हुई, रियाद में ही हुई है। तो हम इंजीनियरिंग करने के लिए वहाँ पे गए, मुंबई में गए, मुंबई के पास जो सिटी है पुणे वहाँ पे, और हम लोग तीनों साथ में रहते थे और मेरे अम्मी अब्बा यहाँ पे रियाद में ही रहते थे। तो हमारी खैर इंजीनियरिंग हो गई, मैं सबसे बड़ा हूँ और मेरे बाद दो बहनें हैं मेरी। तो हमारी जब इंजीनियरिंग हो गई तो उसके बाद में जो मेरी बहन है, सेकंड नंबर की बहन है, उनको कनाडा जाना था, तो वो वहीं पर रह के प्रिपरेशन कर रही थी। लेकिन फिर बीच में कोविड आ गया तो ये सारा चीज़ें, ये सब मामले डिले हो गए। लेकिन उस ड्यूरेशन में क्या हुआ कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो थोड़े से ना, मतलब ऐसे हैं, बहुत कंजर्वेटिव टाइप के हैं कि वो ये चीज़ में बिलीव करते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं होता है ये। तो मोस्टली ये सारा हमारे इसमें तो बहुत ज़्यादा होता है कि लड़कियों को इतना ज़्यादा पढ़ाया ना जाए, उनको जब बेसिक एजुकेशन दे दी उतना काफ़ी है। तो फिर ये हुआ कि मेरी सिस्टर का जब जाना हुआ तो हम लोग, मेरे फादर ने हमको रिक्वेस्ट किया कि आप जाओ रिलेटिव्स को, सारे रिलेटिव्स को मिल के आ जाओ, तो बिफोर बिफोर गोइंग टू कैनेडा। तो और हम गए वहाँ, मिलकर आए, और उसके बाद से जो चीज़ें हुई है ना मनाज भाई, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। तो ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे साथ में एग्जैक्टली क्या होता था स्टार्टिंग में। तो पहले तो मेरी जो सिस्टर हैं जो कनाडा जाने वाली थी, इनकी ना तबीयत खराब होने लगी अचानक से। उस टाइम पे कोविड था तो हमको लगा कि ये मे बी कोविड की रीजन से हो रहा है, कोविड इज द रीजन। उनको बुखार वगैरह आने लगी। फिर हमने एंटी रेपिडिन जो टेस्ट होता था, हमने वो टेस्ट मंगाया घर पे और टेस्ट किया, तो टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल था। और मेरी सिस्टर को ना वो कंप्लेन ये करने लगी कि मुझे ना मेरे बॉडी में, मेरे नेक में, मतलब मेरे थ्रोट में ऐसा फील हो रहा है कि बॉल है, कोई बालों का बॉल है और वो मुझसे निकल नहीं रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन निकल नहीं रहा है। तो खैर हमने पहले तो इसको इग्नोर किया, हमको लगा कि ये बस सोच रही है, बिकॉज उनको ओवर थिंक करने की वैसी प्रॉब्लम थी। तो अब ये क्या होने लगा कि ना उनको ये ज्यादा सिवियर होने लगा, मतलब फीवर आने लग गई, और मतलब उनका जो मतलब बिहेवियर था वो भी बहुत चेंज हो गया, बिकॉज बहुत डरी डरी रहने लगी वो। तो हमने क्या किया फिर कि पहले तो हमने इग्नोर ही किया, ज्यादा इतने इस पे फोकस नहीं किया। हमने लोकल जो डॉक्टर थे उनको दिखाया और डॉक्टर ने बोला कि ऐसी कोई डरने की बात नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर एक दिन क्या हुआ, उनको ना ड्रीम आया और वो ड्रीम में ऐसा बताया कि किचन के अंदर एक छिपकली है और वो छिपकली में जिन्नात है और वो जिन्नात हमको हार्म करना चाह रहा है। और मेरी सिस्टर अचानक से नींद से उठी है, मेरे पास आके बहुत रोई, बोला भाई किचन में फ्रिज के नीचे ना एक छिपकली है, वो जिन्नात है और वो हमको हार्म करना चाह रही है। अब हमने फिर उसको इग्नोर किया, बोला ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐसी सब तुम बस ओवर थिंक कर रही हो। और ये बात हम बस चली रही थी कि उतने में ना रात में हमारी एक फैमिली फ्रेंड है, शी इज़ नॉन मुस्लिम, तो हम उनके साथ में बाहर गए डिनर के लिए, कि ताकि मेरी बहन को थोड़ा सा अच्छा फील हो। तो हम जब बाहर गए तो ठंडी का, विंटर्स का टाइम था तभी, तो बाहर से हम लोग जब डिनर किया हम लोग ने मैकडोनल्ड्स के अंदर, एवरीथिंग वाज फाइन। हम दो बाइक्स लेके निकल गए, मैं और मेरी एक सिस्टर और वो मेरी सिस्टर की फ्रेंड और मेरी एक और सिस्टर, हम बाइक पे जा रहे थे। हमने डिनर किया, डिनर करके जब वापस से हम लौटे हैं तो उस टाइम पे एवरीथिंग वाज नॉर्मल। बट जैसे हम लोग घर पर आए, घर पे आने के बाद में ना मैं अपने रूम में चला गया, मेरी सिस्टर्स अपने रूम में चली गई, और सिंस जो मेरी सिस्टर की फ्रेंड थी उसके पेरेंट्स जो थे वो अपने होम टाउन गए थे, तो वो जो मेरी सिस्टर की फ्रेंड थी वो हमारे घर पे स्लीप ओवर कर रही थी। तो अचानक से उसकी तबीयत खराब होती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वो नॉन मुस्लिम है, ठीक है। अब इनकी तबीयत खराब होने लगी तो उन्होंने बोला कि मुझे शिवरिंग हो रही है। तो खैर हमको लगा कि विंटर बाहर ठंडी थी और हम लोग बाइक पे आए तो इसके लिए उसको शिवरिंग हो रही है। तो हमने क्या किया, हमने उसको ब्लैंकेट में ब्लैंकेट दे दी और बोला यहाँ पे आप ब्लैंकेट में सो जाओ। तो अब मेरी बहन ने ये उनको ब्लैंकेट दी, लेकिन फिर भी उनकी शिवरिंग जा नहीं रही है। और अचानक से उस बंदी ने हंसना शुरू कर दिया। अब मैं अपने रूम में था, मैं अपने रूम में कुछ काम कर रहा था अपना, तो जैसे उसने हंसना शुरू किया है मेरी बहन डर गई और उसने मुझे बुलाया। अब जैसे ही उसने मुझे बुलाया है, मैं वहां पे गया और मैंने वहां पे उसको उसकी हालत देखी, तो उसने मुझे देख के बोला, मुझे देख के एकदम से डर गई और बोलने लगी भाई प्लीज हेल्प मी, मुझे कुछ हो रहा है। तो मैंने उसको पूछा यस टेल मी क्या हो रहा है आपको, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है, व्हाट व्हाट इज रॉन्ग विद यू, क्या हो रहा है। तो मुझे बोल रही है कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कोई मार देगा मुझे। अब दिस वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल, मुझे लगा कि पता नहीं ये क्या एक्टिंग करी है क्या। लेकिन मिनाज भाई
हमारे पास में ना उस वक्त कोविड का टाइम था, तो आपको पता होगा कि ये जो ब्लड ऑक्सीजन मीटर वगैरह हमने अपने घर पे रखा हुआ था, तो हम वो सब चीज मैंने जब लगाया, उसको चेक किया, तो उसकी ना आंखें पूरी पिंक हो गई थी, और उसका ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन ना 75 तक आ गया था, और उसको पिंक से फीवर, मतलब आपकी रेड हो गई थी। हाँ, रेड हो गई थी। तो उसका उनका उनका जो बॉडी टेम्परेचर था वो भी 103 डिग्री, 104 डिग्री चल रहा था, और ये देख के हमको जेन्यूनली लगा कि कुछ प्रॉब्लम है। और मिनाज भाई, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उस बंदी ने मेरे सामने वो हंसने वाली एक्टिंग, मतलब हंसने वाला जो उसका फेस था वो किया, और मैं आपको बोल सकता हूँ मिनाज भाई, ये बंदी, मतलब ऐसा लिटरली लग रहा था कि कोई ना उसके फेस को पकड़ के लिटरली खींच रहा है पीछे से, और वो चाह नहीं रही है हंसना, लेकिन उसको हंसाया जा रहा है। एंड वो जो स्ट्रेचेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके फेस पे, किसी के फेस पे हाथ रख के खींचूंगा तो एक स्ट्रेच मार्क दिखेगा ना, तो वो लिटरली दिख रहा था कि उसके फेस को खींचा जा रहा है और कोई हंसा रहा है। एंड शी वॉज ट्राइंग टू क्राई कि मैं नहीं हूं, दिस इज नॉट मी, बट समबडी एल्स इज ट्राइंग टू डू दिस टू मी, और वो हंस रही है, और मैं उसको बोल रहा हूँ कि व्हाट हैपेंड, एंड माय सिस्टर स्टार्टेड क्राइंग, और मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब उस वक्त पता नहीं मुझ में कहां से इतना करेज आ गया कि मैंने उसको, उसका हाथ पकड़ा है, और मैंने आयतुल कुर्सी जोर से रिसाइट की है, और मैंने उसको बोला कि तू जो भी है गेट आउट ऑफ दिस हाउस, बिकॉज ये मेरा घर है, ये मोमिन का घर है, यू कैन नॉट एंटर हियर। मैंने इसको ये चीज बोली है, और मिनाज भाई उस बंदी का वेट आई डोंट थिंक सो 50-45 के ऊपर रहेगा, एंड तब मेरा वेट होगा कुछ 75-80 केजीज। मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ ना बेड पे से मतलब रोकने की, एंड वो मुझे अकेले सिंगल हैंडेडली इतनी ताकत से धक्का दे रही है कि मैं पूरा हिल रहा हूं। तो अब उस वो चीज पे इतना ज्यादा हमको ये लगा कि मतलब ये डेफिनेटली कि कुछ और चीज है, और हमने अपने फोन्स में और लैपटॉप्स में आयतुल आयतुल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट कर दी। और जैसे ही आयतुल कुर्सी वगैरह लगाना स्टार्ट की, ये बंदी वापस से नॉर्मल हुई और रोने लगी, और बोलती है कि ये जो कर्टेन से पर्दे हैं, इनके पीछे कोई है जो मुझे मार देगा, और ये कंटिन्यूसली वही चीज दोहरा रही है, वही चीज दोहरा रही है। फिर हमने कंटिन्यूसली आयतुल कुर्सी लगाई है, और आफ्टर आफ्टर अ वाइल उसको ये चीज रियलाइज हुई कि उसके साथ कुछ हुआ है। तो उसने क्या किया, अपने फोन से निकाल के ना इनका जो हनुमान चालीसा होता है, वो जो मतलब जैसे हम लोग आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, वो उसने जी लगाना स्टार्ट कर दिया। तो अब ये चीज तो हो गई। अब उसके बाद में हमने उसको सुला दिया, बोला कि तू सो जा अभी, अब हम हमारे रूम में, हम लोग तीनों एक रूम में चले गए सोने के लिए। अब हमको लगा कि चलो ठीक है, यहाँ तक किस्सा हो गया, सब नॉर्मल है। वो अगले दिन उठी, अपने घर चली गई, अपने घर जाके सो गई वो, और सोने के बाद वो 2-3 दिन तक मंदिर गई है। अब वो हमारे घर से, हमारे घर आई भी नहीं, वो बंदी चली गई। अब उसके बाद में ना मिनाज भाई, जो इंसिडेंट स्टार्ट हुए हैं मैं आपको बता नहीं सकता। हर रोज एक इंसिडेंट होता है, और वो ऐसा इंसिडेंट होता था हमारे साथ में कि लिटरली हमको ये फील हो ही जाता था, बिकॉज ऐसी घर में नेगेटिविटी कभी नहीं हुई भाई। हमने हमारे घर के अंदर ना, हम अल्हम्दुलिल्लाह हर रूम में नमाजें पढ़ते थे, मैं अपने रूम में नमाज पढ़ता था, सिस्टर्स अपने रूम में नमाज पढ़ती थी, एवरीथिंग वाज देयर, बट ऐसी नेगेटिविटी कभी फील नहीं हुई कि मतलब हमेशा कभी कभी ऐसा लगता था कि गूजबम्स आ जाते थे। मतलब मैं अपने एक रूम में खड़ा हूँ, बैठा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मुझे फील होता था कि समबडी इज वॉचिंग मी, और मुझे गूजबम्स आ जाते थे। तो ये ड्यूरेशन पे ना, अब मेरे रूम में मेरे साथ क्या होने लगा कि मेरा एक लैम्प था, वो लैम्प फ्लिकर हो जाता था अचानक से। मेरी सिस्टर्स अपना जब ये बनाती थी, लंच बना के बैठी थी, तो अचानक से दरवाजा खुल जाता था। वो स्पून रख के जाती थी, तो स्पून की जो, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने स्पून रखी है ऐसे सीधी सी, वो स्पून ऐसे टेढ़ी हो जाती, स्पून गिर जाती थी। अब ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स तो बहुत सारे होने लग गए। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने रूम में था, किचन में था मैं, और किचन में मैं ठंडी, जैसे मैंने आपको बताया ठंडियों का टाइम था, तो मैं अपने लिए हॉट चॉकलेट बना रहा था, और मैं किचन में हूँ, और जो दो रूम है वो दो रूम से लिटरली कोई जाएगा तो मुझे फील हो जाएगा कि कोई जा रहा है। तो अब मैं बना रहा हूँ, और मैंने बना के आई वॉज सो श्योर कि कोई तो गया है, वन ऑफ माई सिस्टर्स जस्ट पास्ड फ्रॉम हियर। तो मैंने क्या बोला कि मैंने आवाज़ दे के पूछा कि आप भी पियोगे क्या। अब मैं, अच्छा आप, कोई इंसान आवाज कब लगाएगा जब दे आर डैम श्योर कि कोई यहां से गुजरा है, राइट। तो मैंने उसलिए आवाज लगाई, और मैंने, मुझे जब आवाज वापस नहीं आई तो मैं देखने के लिए गया कि कौन सी सिस्टर थी जो उठी हुई थी। तो मैं जब जाके देख रहा हूँ हॉल में, तो देर वॉज नो बडी। एंड जब मैं वापस से बेडरूम में जाके देखा, तो बोथ ऑफ माई सिस्टर वो स्लीपिंग। अब ये टाइम पे मिनाज भाई, मैं इतना डर गया, मैंने लिटरली आयतुल कुर्सी जोर से पढ़ना स्टार्ट की, बिकॉज देर इज नो वे कि ये मेरा वहम हो सकता है, बिकॉज इतनी श्योरली कोई यहां से गुजरेगा, मतलब दैट वॉज रियली इनसेन। अच्छा, अब मैं इस बात, इसके बाद क्या हुआ, मैं अपने रूम में गया, और मैं रूम में जाने के बाद जब मैं सोया हूं,
तो मैं अपने राइट साइड पे सोया हुआ था और मेरे पीछे मेरी खिड़की थी, और मिन्हाज भाई वहां पे खिड़की पे लिटरली आई फेल्ट कि समबडी इज सिटिंग देयर, कोई ब्लैक कलर की चीज है, देयर इज अ पूरी ब्लैक है, वो बैठी हुई है और बैठ के मुझे बस घूर रही है, और वो किस तरीके से बैठी है मैं आई कैन डिस्क्राइब यू, जैसे हम ना हमारे जो देसी टॉयलेट्स में नहीं बैठते हैं उस तरीके से वो बैठा हुआ था, कोई कोई चीज थी जो पूरी ब्लैक थी, मैं उसको देख नहीं पा रहा था, बट पूरी ब्लैक चीज बैठ के मुझे घूर रही है, और ये चीज मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं वहां से हिल सकूं या मूव कर सकूं, कुछ कर सकूं, ठीक है। और उसके बाद से ही मुझे स्लीप पैरालिसिस के एपिसोड्स होने शुरू हो गए। अब वो स्लीप पैरालिसिस भी इतना इंसेन होता था नाज भाई कि मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसा लगता था कि कोई आ रहा है और मुझे पर्पजली नींद में डाल रहा है, मतलब मैं उठ जाता था, यूजुअली मैं सुबह जल्दी उठता था, लेकिन जैसे उठता था मुझे पता होता था कि आई जस्ट वोक अप, और उसी वक्त मुझे एक ऐसी स्ट्रांग नींद आती थी कि कोई पीछे से मेरे सर को पकड़ रहा है और मुझे फोर्सफुली सुला रहा है, और जैसे मैं सोता था ना मिन्हाज भाई मुझे ना वैक्यूम फील होता था, और वैक्यूम में ऐसा लगता था कि लोग चिल्ला रहे मेरे कान में आके, आवाज दे रहे हैं, और पता नहीं वो क्या बोलते थे, मुझे समझ नहीं आता था क्या बोलते थे, बट फील हो रहा था, बस ये फील होता था अब मेरे पास कोई चल के आ रहा है, कोई मुझे मेरे पास चल के आ रहा है और वो मुझे हार्म करेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी मैं स्लीप पैरालिसिस भी मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता रहता था, तो मुझे उतना कभी कुछ हार्म नहीं हुआ, मैं सडनली फिर नींद से उठ जाता था, एंड फॉर श्योर सर वो ड्रीम नहीं होता था, मैं ये चीज को फील कर पाता था कि ये एक स्लीप पैरालिसिस है। और ये सब चीज के बाद ना मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो गया मिन्हाज भाई, मैं हम लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि एक दिन ना वो जो लाइट फ्लिकर की जो मैंने आपको बताया मेरा जो लैम्प फ्लिकर होता था, तो ये दिन भर मेरा लैम्प चालू होता था, मैं अपने रूम की जो स्विच है वो ऑफ ही नहीं करता था, दिन भर ऑन रहता था, दिन में ना सर कभी भी भाई ये फ्लिकर नहीं होती थी लाइट मेरी, जैसे रात के 2 बजते थे उसके बाद ये लाइट फ्लिकर होना स्टार्ट होती थी। तो मैं एक बार उठा, मैंने ऑन करके ऑफ किया, एवरीथिंग वाज फाइन, जैसे मैं वहां जाता था ठीक करने के लिए वो ठीक हो जाती थी। फिर एक दिन तो मैं इतना तंग आ गया कि मैंने सारी लाइट्स ऑफ की है घर की, मैं जमीन पे बैठा हूं, मैंने बोला अब जिसको जो करना है वो कर ले, बिकॉज एक चीज होती है ना मैंने भाई कि आप एक एक वक्त तक डरते हो, मतलब हाँ, उसके बाद वो फार्म पे एक पॉइंट एग्जैक्टली आता है, वो खत्म हो जाते हैं ना। एग्जैक्टली, तो हमने लिटरली डरना छोड़ दिया मिन्हाज भाई, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की है डराने की, लेकिन हमने एक वक्त ऐसा आया कि डरना छोड़ दिया। मैं लोकल मस्जिद के पास में गया, और सिंस वो घर जो था हमारा वो रेंटेड था, तो मैं लोकल मस्जिद के पास जाके मैं, हम लोग जो स्टिकर होते हैं आयतुल कुर्सी के और कुल के स्टिकर होते हैं, मैं वो स्टिकर्स लाके हर रूम में मैंने वो स्टिकर लगाया अपना, और लगा के हमने उसको रखा, एंड देन उसके बाद ना ऐसे होने लगा कि मतलब चीजें थोड़ी सी इंप्रूव हुई, लेकिन स्टिल हमको फील होता था। तो मेरे जब उस टाइम पे अभी जो मेरे वाइफ हैं वो तब मेरे फियांसे थे, तो उनके एक रिलेटिव हमारे घर के पास में रहते थे, तो उन्होंने हमको बताया कि एक काम कीजिए आप, कोई अच्छे से मौलवी को आप ये बताओ और बता के उनको घर पे लेके आके आप दे चेक करा लो। तो हमने वैसे ही किया, हमने उनको बुलाया, और बुला के जब हमने उनको देखा तो वो जैसे घर में आया ना वैसे ही उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे लिटरली कोई है, किसी ने आप पे कुछ किया हुआ है, और उन्होंने सारी इंसिडेंट को तब बता दी कि देखो आपको कोई आपके ही रिलेटिव से, मैं आपका नाम उनका नाम नहीं बताऊंगा, आपकी ही कोई करीबी है जिन्होंने ये चीज की है, सो दैट आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो क्योंकि आप में से कोई कुछ अच्छी चीज करने जा रहा है, नाम तो नहीं बताऊंगा, और उन्होंने नाम नहीं बताया हमको कि कौन था, लेकिन उन्होंने ये बताया कि जो आपका हॉल है उस जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती थी, वो एरिया का, वो हॉल का जो विंडो है, दिस विंडो इज द पोर्टल जहां से जो जिन्नात हैं या मल्टीपल जिन्नात हैं उनको भेजा जा रहा है और वो यहाँ से एंटर करते हैं। तो उन्होंने वहां पे कुछ पढ़ने के लिए और कुछ ताबीज, मतलब पता नहीं मुझे क्या था, वो कुछ कुरान की आयतें थी, उन्होंने बोला कि इसको आप बांध के ना आपको यहाँ पे लगाना है, स्टिक करना है आपको यहाँ से, और यहाँ से उसको हटाना नहीं है। और वो जगह कौन सी थी? वो जगह हमारा जो हॉल था जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिविटीज होती थी, जहाँ पे मैंने फील किया था कि कोई चल के जा रहा है, ये सारी चीजें, तो वहां से उन्होंने बोला कि दिस इज द प्लेस जहां से वो आ रहे हैं, मतलब जहां से कोई जो जो भी जिसने भी मैजिक किया है वो यहाँ से भेज रहा है, तो दिस इज दैट पोर्टल। तो वहां पे उन्होंने हमको वो कुछ पढ़ के दिया था यहाँ पे लगाने के लिए, तो बोला था वहां पे कीली लगा के आप इसको स्टिक कर दो, अगर या कीली लगा के कर दो या फिर आप टेप से स्टिक कर दो, दैट्स नॉट नॉट इम्पॉर्टेंट, बट वहां पे लगा दो उसको। तो जब हमने वहां पे लगाया, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको एक रात ना घर से बाहर रहना पड़ेगा, बिकॉज उस दिन जब आप ये चीज करोगे ना तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, सो फॉर दैट नाइट यू हैव टू स्टे समवेयर एल्स, आप अपने घर पे नहीं रहेंगे। तो हम
हमारे जो रिलेटिव मतलब मेरी जो फियांसी के रिलेटिव थे, हम वहां रहने के लिए चले गए। और मिन्हाज भाई, उस रात को मुझे इतने भयंकर ड्रीम्स आए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे मेरा जो घर है, जहां पे रहते थे, वहां पे पूरे टॉयज हैं, इतने सारे टॉयज हैं बच्चों के, और वो खुद से ना चल रहे हैं। और बाहर की जो दुनिया है वो पूरी डार्क है, जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स में जो दुनिया नहीं होती बाहर एकदम डार्क दुनिया, वैसी है। और मेरे रूम में सारे बहुत सारे टॉयज हैं, और वो टॉयज ना अचानक से एक बाय एक ऑन हो रहा है और वो चल रहे हैं। और बस इतना ही था। और उसके बाद अगले दिन सवेरा हुआ एंड एवरीथिंग वाज फाइन। लाइक हम जब वापस से घर पे आए, वहां पे जो लगाया हुआ था, हमने नमाज वगैरह पढ़ी और जो भी था, मतलब मौलवी को जब बताया हमने, तो उसके बाद से चीजें बहुत सारी, मतलब बहुत कम हो गई उसके बाद सारी चीजें, एंड हमको थोड़ा पॉजिटिव फील होने लगा उसके बाद। ओके, जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहिब। जी मिनाज भाई, और मैं ये बोलना चाहूंगा मिनाज भाई, मेरा एक्चुअली मोटिव ये है बताने का कि आप जो भी, आपके जो भी व्यूवर्स हैं वगैरह देख रहे हैं, मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप कोई भी चीज करने जा रहे हो, चाहे आपकी लाइफ में कोई एक नई चीज करने जा रहे हो, प्लीज आप किसी से शेयर मत करो। जब तक वो चीज हो नहीं जाती, जब तक आप चीज को अचीव नहीं कर लेते, तब तक प्लीज आप किसी को शेयर ना करो। बस अपने जो करीबी हैं, मतलब योर मदर, योर फादर, योर सिस्टर्स, बस उन तक ही ये चीज को रखो तो ज्यादा बेटर होगा। आप उसको एक बार अचीव कर लो, उसके बाद यू कैन, लोगों को खुद ही पता चल जाएगा उस चीज का, लेकिन उससे पहले मत करो, बिकॉज आपका काम बहुत डीले हो जाता है। बिकॉज वो उसके बाद जो मेरी सिस्टर्स ने सहा है, आई कैन टेल यू कि बहुत मुश्किल वक्त था उनके लिए, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे बोथ आर इन कैनेडा नाउ एंड डूइंग वेरी वेल।